सो यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एमिटेन। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो गाइज, इन दिनों वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब अभी भी तबीयत खराब ही है मेरी, तो इसी कारण से वीडियो थोड़ा लेट आया, तो उसके लिए सॉरी। एंड अभी से मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी काम करने में मज़ा आए। तो आज का वीडियो का टॉपिक तो आप सबने हमारे थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेवल है, मतलब हाईएस्ट लेवल बंदों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने छोटे से इंट्रो के बाद। तो आज की वीडियो के जो हमारे पहले बंदे होने वाले हैं, जो कि है डैडी कॉलिंग भाई, जिनको बहुत सारे बंदे जानते ही होंगे, जिनका इंडिया में सबसे हाईएस्ट लेवल है जो कि है 85। एंड उसी के साथ साथ ये मतलब इंडिया के ग्रैंड मास्टर में रहने वाले सबसे ज़्यादा टाइम रहने वाले बंदे भी बन चुके, जो कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि अभी भी ये ग्रैंड मास्टर में है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदे हैं, तभी जाके पहुँच रहे हैं इतनी ऊँचाई में। मतलब 85 लेवल करना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। हमारा तो इधर 60-70 में ही फटता है, लेकिन उन्होंने 85 कर लिया। एंड होप करता हूँ वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे एंड हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने जो नेक्स्ट बंदे हैं उनकी तरफ, लेकिन उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा ब्राज़ील के सर्वर में, जो कि ब्राज़ीलियन बंदे हैं। तो आज का जो हमारा सेकेंड बंदा है, जिसका कि लेवल है 87, जो कि बच्चों का खेल नहीं है भाई। 87 लेवल बंदे ने कर लिया है एंड डैडी कॉलिंग से 2 लेवल आगे है। बट ये बंदे मतलब इंडियन सर्वर के नहीं है, ये है ब्राज़ीलियन सर्वर के। एंड साथ ही ये लोग अपना लेवल मतलब जेन्युइनली नहीं बढ़ाते। जेन्युइनली नहीं बढ़ाते से मेरा ये मतलब है कि ये मतलब जस्ट क्लासिक या डुओ लगा लेते रैंक या सोलो, सॉरी रैंक में या क्लासिक में ही लगाते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड जाते हैं बस बिना कोई बंदे मारे, बस लौट आते गेम से, मर जाते। तो इससे कि होता क्या है, इनका मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले मतलब इन बंदों का बहुत ज़्यादा केडी कम है, अभी तो ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेलने लग गए, 3-4 का केडी इनका हो गया है, लेकिन पहले इनका केडी 0.1-0.2 का था। तो बढ़ते हैं हम अपने जो थर्ड और लास्ट जो बंदे हैं उनकी तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। एंड हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक सेवा का मौका दे देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी की सेवा कर सकूं। एंड मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आती रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में आप सबके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे बंदे की ओर। तो हमारे आज के वीडियो के जो तीसरे बंदे हैं, जिनका कि नाम है रफ़ाइल 100, यानी कि वो 100 लेवल करना उनका एक एम है, जो कि बंदे ने अभी तक 91 लेवल कर लिया है। एंड पहला बंदा मेरे को दिख रहा है जो कि जेन्युइनली मतलब थोड़ा बहुत 100 किया है। जेन्युइन तो हम इन्हें नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी मतलब सेम तरीके से सोलो या दो मैच लगा लेते हैं क्लासिक में, उसके बाद जाते हैं और मर जाते हैं। तो आप लोग गेम्स देख सकते हो 322, बट किल्स देख सकते हो 0, यानी कि इसी प्रकार से ये लोग अपना लेवल बढ़ा रहे। लेकिन इस तरह से मतलब जाना गेम में और फिर वापस आ जाना, ये भी कोई मतलब छोटा काम नहीं है। हम लोग से तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब हम लोग के पास इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रहता कि हम लोग जाएंगे फिर बैक करेंगे फिर जाएंगे। हम लोग को तो मतलब अगर बंदे नहीं मिलते तभी मतलब कुछ पेशेंस नहीं रहता हम लोग का, हम लोग तो सीधे रश कर देते। लेकिन इन बंदों को देख के थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेशन मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही था, कैसा बना वीडियो जरूर बोलना। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों। मैं एक और बार आप लोग को याद दिला दिया, अभी करना ना करना तो आप सबके ऊपर है। एंड तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके चलते मैं फिर भी मतलब वीडियोस बना रहा हूँ आप सभी के लिए। एंड फ्यूचर में मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो तो। तो इसी कारण से थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट दिखा दो। एंड इतनी मेहनत से ब्राज़ीलियन सर्वर में जाके मैंने वीडियो बनाई है, तो इसके कारण मतलब वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, जिससे कि मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले आगे भी ऐसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। एंड हाँ, आप सबसे एक बात पूछनी थी कि मैंने अभी रिसेंटली अपना चैनल का नाम चेंज करके इंडियन एमिटेन कर दिया था। बहुत से लोगों को पता होगा कि मेरा मतलब जो पहले चैनल का नाम हुआ करता था वो था अनलिमिटेड गेमर। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक नाम को मतलब एक और बार आखिरी बार चेंज कर दूँ, जो कि मैं रखने वाला हूँ अनटाइटल्ड गेमर। तो कैसा लगेगा आप लोग को ये नाम, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, अनटाइटल्ड गेमर। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि अनटाइटल्ड गेमर के नाम से ही आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिले।